हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरएसएस किचन में। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे मारी बिस्किट केक बनाना। और ये बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बन के तैयार हो जाता है। इसे हम कढ़ाई में बनाएंगे और ये बिना ओवन का भी बन सकता है। देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी केक बन के तैयार हो जाता है ये। तो फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पर आप, बहुत ही सॉफ्ट होता है, देख सकते हैं आप, बहुत ही स्पंजी है। तो फ्रेंड वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो फ्रेंड चलते हैं वीडियो की ओर और वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं इंग्रेडिएंट्स, यहाँ पे मैंने एक पैकेट बिस्किट लिया है, ये 230 रुपया वाला है, बेकिंग पाउडर, दूध 1 से 2 कप, चीनी 50 ग्राम। तो फ्रेंड देख सकते हैं बहुत ही कम इन्ग्रीडियंट्स की आवश्यकता पड़ती है। तो हम सबसे पहले एक कढ़ाई में नमक डाल के इसे हम प्री हीट कर लेंगे। 10 मिनट पहले ही इसे प्री हीट करना पड़ता है क्योंकि नमक को हीट होने में थोड़ा टाइम लगता है। इसके बाद हीट होने के बाद ये जल्दी ठंडा नहीं होता है। मिक्सर जार में बिस्किट को हम डालेंगे, इस प्रकार से तोड़ के डालना है। सभी बिस्किट को हम इस प्रकार से तोड़ के डाल देंगे, ढक्कन लगाएंगे और इसे हम क्रश कर लेते हैं। चीनी डालेंगे और इसे हम अच्छे से ब्लेंड कर देंगे, पाउडर कर देंगे इसका हम। तो फिर देख सकते हैं ये पाउडर हो चुका है। दूध डालेंगे, आधा आधा कप करके हमें दूध इस्तेमाल करना है, एक बार इस्तेमाल नहीं करना है। इसे करीब 4 से 5 मिनट लगता है मिक्स होने में। तो देख सकते हैं धीरे धीरे तैयार होना शुरू हो गया है। सारा दूध मैंने यहाँ पे डाल दिया है, करीब 2 कप दूध इसमें इस्तेमाल होना है। बेकिंग पाउडर डालेंगे, एक छोटा चम्मच से भर के डालेंगे ऊपर तक। इसे फिर से ब्लेंड कर लेंगे, इसे अच्छे से मिक्स करना है। और देख सकते हैं इसका कंसिस्टेंसी इस प्रकार से होना चाहिए, ना ज़्यादा पतला होगा ना ज़्यादा थिक होगा, इस प्रकार से होना चाहिए बीचों बीच में ये। तो इसे हम अब खाली कर लेते हैं एक मॉल्ड में। सबसे पहले मॉल्ड में ग्रीसिंग करेंगे, ऑयल का ग्रीसिंग करेंगे, फैला देंगे इसको। एक बटर पेपर लेंगे, मॉल्ड में डालेंगे, थोड़ा सा ऑयल का ग्रीसिंग करेंगे। अब ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं यहाँ हाथ से ही मिला रहा हूँ। केक का बैटर डालेंगे, इसे अच्छे से इस प्रकार से फैला देंगे और ऊपर से हम इसका गार्निशिंग कर देंगे। मैं यहाँ टूटी फ्रूटी रेड वाला इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप चेरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और रंग बिरंगा जो हमारा टूटी फ्रूटी होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे हम 40 मिनट के लिए कवर कर देंगे धीमा आँच में। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं हमारा 40 मिनट हो चुका है, आप इसे चेक कर सकते हैं एक टूथपिक की मदद से या चाकू की मदद से। तो फ्रेंड्स केक पक के तैयार हो गया है, टूथपिक बहुत ही क्लीन आया था, इसका मतलब ये हमारा केक पक चुका है। अगर गंदा हो थोड़ा निकलता तो हम समझ लेते हैं कि अब थोड़ा कच्चा ही है, तो इसे हम थोड़ा देर और पकाते हैं। इसे हम एक प्लेट में खाली कर लेते हैं और इसका हम बटर पेपर बहुत ही सावधानी से निकाल लेंगे। आप बटर पेपर को केवल बेस में ही लगा सकते हैं, मैं इसे ऊपर तक ही लगा दे, थोड़ा दिक्कत हुआ इसे निकालने में। तो फ्रेंड देख सकते हैं हमारा केक बनके तैयार हो चुका है, मारी बिस्किट केक। बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी है ये। तो फ्रेंड्स आप भी इसे घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अगर आपके घर में कोई बर्थडे सेलिब्रेशन हो या कोई ओकेजन फेस्टिवल हो तो आप बहुत ही आसानी से इसे बना सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड जल्द मिलते हैं नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।